हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज हम पढ़ेंगे एक सीटेट का क्वेश्चन। ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये नगद और भुगतान का है, ठीक है। किस्त के जो किस्त होती है, ठीक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हरीश ने एक स्कूटर को 49,553 रुपए में खरीदा, ठीक है। उसने 8,076 रुपए का नगद भुगतान कर दिया। शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हो गया। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, ठीक है। तो जैसे आपने गाड़ी खरीदने गए तो आप कुछ पैसा क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। और बाकी पैसा जो रहता है वो आपके ईएमआई या लोन पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन आप जो ईएमआई भरते हैं वो कुछ महीनों पे भरते हैं, कुछ किस्त में भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि जो किस्त है, जो 37 किस्त है, उसकी राशि क्या होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई जो पैसा इसमें से बचेगा, ठीक है, वही तो आप किस्त में भरोगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि जितनी पैसे देनी है उसकी राशि क्या है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं किस्त देने की राशि कितनी है, ठीक है। तो टोटल राशि हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अब यहां पे लिखेंगे 49,553 माइनस 8076, ठीक है। तो यहां पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 41477, ठीक है। जो इतने रुपए आएंगे यही रुपए हमको क्या करना है, हमें किस्त में देना है, ठीक है। अब चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कितने पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास है 10 रुपए, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हैं और मैंने कहा इसको 5 बच्चों में बांट दो, ठीक है। तो 5 बच्चों में जब आप बांटेंगे तो क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने कितने रुपए आएंगे 5 बच्चों में, 2-2 रुपए आएंगे, ठीक है। कितने रुपए आएंगे, 2 रुपए आएंगे, ठीक है। तो यहां से ये पता चला कि जब हमें जो पैसा हमारा बचा है इसको 37 बराबर भागों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, 41,477 को हम क्या करेंगे, इसको हम 37 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें प्रत्येक किस्त की राशि पता चल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 रुपए थे और मैंने कहा 5 बच्चों में बांट दो, तो आपने 5 बच्चों में 2-2 रुपए सबके आए, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो राशि है उसको हम 37 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान, ठीक है, क्या होगा, 41477/37, ठीक है। अब देखिए ये 37 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 37 से हमको ही काटना पड़ेगा, ठीक है। 37 11 जा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 5 और ये होगा 54, ठीक है। कितना हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। फिर से हम एक बार ले जाएंगे, ठीक है, 44 पे एक बार ले जाएंगे तो ये बचेगा 7, ठीक है, 77 हो जाएगा। 37 को 2 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है, तो 74 होगा, ठीक। और 70 यहाँ पे बचेगा 3, तो 37 हो जाएगा, ठीक है, 37 × 37, तो ये कितना हो जाएगा, 1121, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1121। अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से पेपर में कर लीजिएगा, ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त आपकी जो किस्त आ गई वो कितनी आ गई, 1121 रुपए की, ठीक है, कितनी आ गई, 1121 रुपए की। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पहला क्वेश्चन कितना था, पहला पैसा था इतना, फिर उसमें से हम इसको क्या करेंगे, जो नगद भुगतान कर दे उसको घटा देंगे, क्योंकि जो नगद भुगतान उसका तो किस्त जमा नहीं करेंगे, जो बचा है उसी का किस्त जमा करेंगे। तो हमारे पास किस्त कितना बचा, 41,477 रुपए की, ठीक है। अब 37 बराबर भागों में बांटना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस एग्जांपल को 10 में 5 बच्चों को बांटना है 10 रुपए, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सारा आंसर आ जाएगा कि 2-2 रुपए सारे बच्चों को मिलेंगे। तो इसी प्रकार जो किस्त बची उसको 37 बराबर भागों में देने के लिए क्या होगा, 37 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1121 रुपए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1121 रुपए। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।